नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामेट्रिक लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नया कमांड सीखते हैं, देखते हैं आज का मेरा क्या रहेगा कमांड। आज का जो मेरा कमांड रहेगा वो चैम्फर रहेगा, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले एक हम 3D ऑब्जेक्ट को हम बना लेंगे, ड्रॉ करते हैं 3D ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं एक्सपोर्ट, सपोज उसको थोड़ा सा हाइट कम कर लेते हैं और ओके करते हैं। अभी चैम्फर जो है मेरा देखिए एक्टिवेट हो गया। तो चैम्फर में मेरा दो कमांड है, एज चैम्फर है और कॉर्नर चैम्फर है। तो सबसे पहले हम एज चैम्फर को सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोगों ने राउंड में लिया था उसी तरह इसमें भी है सेम, एक एज को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो देखिए यहाँ पे एक आपका ये चैम्फर सेक्शन सबका बन गया। इसको दोनों को अगर सेम रखना है तो यहाँ पे डी इंटू डी हो जाएगा, और दोनों को अलग रखना है तो डी वन इंटू डी टू हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू आपका डिफाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। डी वन सपोज यहाँ पे 10 आ गया मेरा, और सपोज यहाँ पे हम 12 रख देते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा एंगल और डी रखना है तो यहाँ इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज एंगल को आप वेरी कर लीजिए, तो कभी कभी होता है आपका यूजर्स अपने हिसाब से जो है एंगल या वैल्यू के हिसाब से जो भी रखना चाहे, या 45 को फिक्स रखना है तो 45 रख लीजिए, आपका वो करके रखना है आपको तो वो कर लीजिए। मतलब जो अपने हिसाब से जो सहूलियत लगे यूज़र्स को यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल हम डी और डी रहने देते हैं, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट एज भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सपोज़ हम एक नॉर्मल हम बिना कंट्रोल की दबाए हुए हम नेक्स्ट एज को सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज, ठीक है। ये हो गया, और एक और हम बिना कंट्रोल की दबाए के नेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए सपोज हम इसका वैल्यू हम सपोज चेंज करते हैं, इसको सपोज 15 करते हैं। तो देखिए ये वाला चेंज हुआ, लेकिन ये दोनों जो है ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए अब कंट्रोल फीचर्स में यही होता है कि अगर आप मल्टीपल को सिलेक्ट कीजिएगा नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट, तो उसको चेंज करने देगा। सपोज अब क्या है, देखिए हम कंट्रोल की प्रेस करके नेक्स्ट एज हम सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट किया ये पूरा एक चैन बन गया, ठीक है। अब ये अगर हम फिगर 10 चेंज करेंगे तो ये देखिए इसके नेक्स्ट वाला भी चेंज हो गया आपका, लेकिन जो पीछे वाला था आपका वो एज अ सिंगल सेट था आपका। देखिए यहाँ पे सेट्स पे जब जाइएगा तो एज अ सिंगल सेट से सेट 1 सेट 2 ये सेलेक्ट हुआ आपका, ठीक है। तो जब भी अगर आपको कॉमन रखना है तो उस केस में आप कंट्रोल प्रेस करके तब जितने भी एजेस है आपका उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे सेट 2 को हम ले लेते हैं, यहाँ पे एंगल मिल लेते हैं, एंगल और डी कर लेते हैं सपोज, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी तो ये ठीक है अपना, ठीक है दोस्तों। तो ये एज अ सॉलिड ही हम रहने देते हैं इसको, और फाइनली इसको हम प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। तो देखिए मेरा ये हो गया फिगर जनरेट, ठीक है। उसी तरह जो मेरा सेकंड वाला फिगर है वो चैम्फर में है, कॉर्नर चैम्फर। कॉर्नर चैम्फर में क्या है, आपको जो है कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, आइटम को। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मेरा नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं सपोज। सपोज हम ये कॉर्नर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला देखिए हाईलाइट भी हो गया मेरा, सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक जो है मेरा यहाँ पे चैम्फर हो गया आपका, और यहाँ पे तीन वैल्यू मांग रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो तीनों का हम या तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं सपोज 45 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 100, और इसको हम लोग कर लेते हैं 25। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं आपका। तो ये मेरा जो है ये कॉर्नर चैम्फर का कमांड है आपका दोस्तों, ठीक है। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप अपने फीडबैक देते रहिए वीडियोस में। और इससे पहले जितने भी हमारे स्केचेस के और जो पार्ट कमांड्स के वीडियो हैं आप कृपया उन्हें देखें, काफ़ी नॉलेज मिलेगी उनसे, और डिज़ाइनिंग फील्ड्स में उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।